भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस 26 जनवरी से नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जानकारी दी कि भारत जोड़ो यात्रा भले ही गैर राजनीतिक थी, लेकिन पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 100% राजनीतिक अभियान है। अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे और वो राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। हाथ से हाथ मिलाओ अभियान 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के दौरान पार्टी आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चिट्ठी के साथ बीजेपी सरकार की नाकामियों की चार्जशीट घर घर में बांटी जाएगी। इस अभियान का मकसद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करना भी होगा। हमारा कहने का मतलब है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान राजनीति से ऊपर हटकर विचारधाराओं के आधार पर राहुल जी ने मुद्दे उठाए, चुनाव से कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं था, हालांकि रोज आलोचना हुआ करती थी मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना सीधा है मोदी सरकार की विफलताएं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक सीधे तरीके से 100% राजनीतिक अभियान है।